मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 19, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sin थीटा, n इज इक्वल टू tan थीटा माइनस sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू पुट कर दी, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, फिर यहाँ पे माइनस की वजह से पूरे ब्रैकेट के साइन चेंज हो गए, टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट गया, माइनस प्लस के हैं, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, ये भी माइनस प्लस के हैं, ये टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा, फोर साइन थीटा, टू साइन थीटा टेन थीटा, टू साइन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू फोर साइन थीटा टेन थीटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड फोर अंडर रूट एम एन, फोर रूट के अंदर एम की वैल्यू, एम की वैल्यू आगी टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एन की वैल्यू दोनों में एक बार प्लस एक बार माइनस, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए की दो माइनस बी की दो, फोर एज इट इज, साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन, एलसीएम लिया कोस स्क्वायर थीटा, इधर की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अगले स्टेप में ऊपर से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे यहाँ से, तो फोर तो बाहर है ये तो बाहर ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बटे कोट स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हमने कर दिया, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा रूट से, आपका आंसर आ जाएगा फोर साइन थीटा और टेन थीटा, फोर साइन थीटा और टेन थीटा। अब इसके बाद में ये तो आगे है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चार साइन थीटा टेन थीटा, राइट हैंड साइड की वैल्यू चार साइन थीटा टेन थीटा, दोनों साइड बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। अब आप इससे आगे क्वेश्चन आपके साथ में कल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।